हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास फाइव का नेचर, दैट इज एसएसटी क्लास फाइव एंड चैप्टर इज 18। 18वां चैप्टर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कम्प्लीटली चैप्टर आपको पढ़ा दिए, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। इंडियन मतलब होता भारतीय, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता संविधान और शासन, यानी भारतीय संविधान और शासन के बारे में आज हम पढ़ने वाले है। तो स्टार्ट करते हैं। वी आर लिव टुगेदर इन फैमिली, शुरुआत हमसे ये कहा गया कि वी आर लिव, हम सब रहते हैं, टुगेदर मीन साथ साथ, इन फैमिली माने परिवार में, मतलब परिवार में हम सब लोग साथ साथ रहते हैं। वी हेल्प वन अनादर इन हाउस होल्ड वर्क, बी मीन्स हम, हेल्प मीन्स मदद करते हैं, वन अनादर मीन्स एक दूसरे की, इन हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घर के कामों में, यानी घर के कामों में हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। एंड सम वर्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, टू मीन्स भी, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपस में फिर बांट दिए जाते हैं, ये काम आप करेंगे आपके लायक है। तो घर के सभी काम मतलब परिवार के सभी सदस्य एक परिवार की तरह रहते हैं और घर के सभी कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं, कुछ काम उनको बांट के दे दिए जाते हैं। रूल्स आर मेड टू रन द होम, रूल्स मीन्स होते हैं कुछ नियम कानून, मेड मीन्स बनाए जाते हैं, टू रन द होम मतलब घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनके आधार पर घर को चलाया जाता है। विच आर फॉलोड मतलब होता है उनका अनुसरण करना, जो नियम बनाए गए हैं घर चलाने के लिए उनका आप पालन करिएगा। बाई ऑल द मेम्बर ऑफ फैमिली, परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा, मेम्बर मतलब सदस्य, तो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उन रूल्स को फॉलो किया जाता है, उनका अनुसरण करके काम किया जाता है। सिमिलरली मीन्स होता है इसी प्रकार से, अवर स्कूल है प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य होते हैं, यानी हेड मास्टर जिसे कहते हैं प्रधानाचार्य। हु मीन्स जो, अलॉन्ग विद द टीचर्स जो दूसरे अध्यापकों के साथ मिलकर के, अलॉन्ग विद द टीचर यानी दूसरे अध्यापकों के साथ, मेक द रूल्स वह भी नियम बनाते हैं, टू रन द स्कूल स्कूल चलाने के लिए, जिस प्रकार से घर चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं और उन्हीं नियमों को घर के सभी सदस्य फॉलो करते हैं, और उसी प्रकार से किसी स्कूल का जो रूल होता है वो भी बनाया जाता है प्रिंसिपल और उनके अध्यापकों के द्वारा मिलकर के, और वो जो नियम बनाए जाते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्कूल और स्कूल के जितने भी मेंबर या सदस्य हैं फॉलो दीज रूल्स, उन्हीं नियमों को अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। रूल्स हैव बीन आल्सो मेड फॉर रूट सेफ्टी, देखो यहाँ फिर आगे लिखा हुआ है, रूल्स हैव बीन मेड, नियम बनाए जाते हैं फॉर रूट सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा के लिए, यानी सड़क पर चलते हैं तब को आपको सुरक्षा अपनी रखनी है, तो उन कुछ नियमों को बनाया गया है तब आपकी सुरक्षा रह सकती है। जैसे आप सड़क पर जब चलते हैं तो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, या चौराहे पर अगर रेड लाइट जल रही है तो आप रोड को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये सब नियम सड़क सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, जस्ट एज रूल्स आर फ्रेम्ड टू रन होम एंड स्कूल, जैसे हमारे घर को चलाने के लिए और स्कूल को चलाने के लिए नियमों को फ्रेम किया गया, बनाया गया है, कानून नियम बनाए गए हैं, सेवरल रूल्स बहुत से नियम आर फ्रेम्ड बनाए गए हैं टू रन आवर कंट्री टू, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश को, हमारे घर को चलाने के लिए, हमारे स्कूल को चलाने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी प्रकार से हमारे देश को चलाने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं। दीज रूल्स हैव बीन कम्बाइंड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। दीज रूल्स हैव बीन कम्बाइंड, देखो कम्बाइंड मीन्स होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, मिला देना। दीज रूल्स हैव बीन कम्बाइंड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं सभी नियमों को बना करके हमने एक संविधान का रूप दे दिया है। दीज रूल्स हैव बीन कम्बाइंड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी नियमों को मिला करके जब इकट्ठा रखेंगे तो एक संविधान का रूप ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार ही द गवर्नमेंट वर्क, हमारे देश की सरकार कार्य करती है, गवर्नमेंट मीन्स होता सरकार, वर्क्स मीन्स काम करती है, तो जो संविधान में नियम बनाए गए उनके अनुसार हमारी सरकार काम करती है, देश को चलाती है। घर के नियम बनाए जाते हैं घर चलाने के लिए, स्कूल के नियम बनाए जाते हैं स्कूल चलाने के लिए, रोड सेफ्टी नियम बनाए जाते हैं आपकी रोड पर सुरक्षा हो सके, और इसी प्रकार से जो बहुत से नियम बना करके एक संविधान बनाया गया है वो इसलिए है कि हमारी सरकार देश को चलाए, जो सत्ता में सरकार हो उन नियमों का फॉलो करती हुई देश को चलाए। हैंस अतः द फार्मिंग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली वाज फॉर्म्ड विच वाज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा,
फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, देखा फ्रेमिंग मतलब बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनाने के लिए जो एक असेंबली यानी सभा बनाई गई थी, वाज फॉर्म्ड विच वाज कॉल्ड, जो सभा बनाई गई थी मतलब संविधान को पहले बनाया भी तो गया था, जैसे कानून बनाए कैसे, या देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारा संविधान बनाया गया, कानून बनाए गए, तो जो कानून बनाए गए थे उससे पहले एक हमारी संवैधानिक सभा बनाई गई थी जो उन संविधान के नियमों को इकट्ठा कर करके एक संविधान का रूप लेगी जिसको, तो वो संविधान सभा थी। अब आगे क्या कहा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड, देखो इलेक्ट मींस होता चुनाव करना या चयन करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, जो वह संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ड्राफ्ट कमेटी वाज फॉर्म, देखो ड्राफ्ट कमेटी क्या होती है, मसौदा समिति, मसौदा समिति मतलब किसी चीज़ का मसौदा तैयार करना, उसे रूपरेखा देना। तो जो संविधान सभा थी उसके तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो मसौदा समिति थी संविधान को जो प्रारूप देने वाली समिति थी, वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रेमिंग द फॉर्मेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का फॉर्मेट तैयार करेगी, संविधान का स्वरूप तैयार करने वाली जो सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। वाज इट्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी होता अध्यक्ष। तो उस संविधान सभा के यहाँ पर दो सभाएँ हो गई एक तरीके से, दो अध्यक्षों के नाम आए, एक तो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक सभा थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति जो संविधान को रूपरेखा देने वाली समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमेटी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कमेटी ने, इस संविधान सभा की कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फ्रेम कर लिया, बना लिया आफ्टर कंटिन्यूस हार्ड वर्क, लगातार कठिन मेहनत के बाद। कब बन के तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को बना करके तैयार कर दिया था। ये काफ़ी लंबा समय लगा था इसको ड्राफ्ट करने में, इसे स्वरूप देने में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इन टू द फोर्स, अब ये मतलब उसमें प्रभाव में कब आया यानी लागू कब किया गया, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया इन द होल कंट्री, पूरे देश में। वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे, इसीलिए हम इस दिन को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। वो 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो इसी याद में मनाते हैं कि इस दिन हमारा जो संविधान था वो पूरे देश में एक साथ लागू किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट है, स्पेशल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल मीन्स होता विशेष फीचर, जिसमें होते हैं गुण, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान, अब ये कहा गया हमारे संविधान के जो विशेष गुण हैं आप उनके बारे में सीखिएगा क्या। फर्स्ट, इट इज स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट, स्टेटेड मतलब होता कहा गया या वर्णित किया गया, लिखा गया। इट इज स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ऐसा वर्णित किया गया है दैट कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है भारत एक संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री का मतलब संप्रभु देश, संप्रभु देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपनी ज़रूरतों के अनुसार कानून बना सकता है और जिन कानूनों की उन्हें ज़रूरत नहीं उनको हटा भी सकता है, यानी संविधान में वह संशोधन कर सकता है, इसलिए भारत एक संप्रभु देश है। इट विल मेक इट्स रूल्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, यह अपने स्वयं नियम और कानून, रूल्स और रेगुलेशन, नियम और कानून स्वयं बना सकता है, इसीलिए ये संप्रभु देश है। दूसरी विशेषता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन आवर कंट्री इज कॉल्ड द सेकुलर, सेकुलर देखो संविधान में ये वर्णित किया गया कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये होता है हु, जिसका उद्देश्य एम टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, उन्मूलन करना, समाप्त करना। काय का मतलब है इकोनॉमिक यानी आर्थिक सोशल इनइक्वलिटीज ऑफ सोसाइटी, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश का ये उद्देश्य है कि हमारे देश में जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं उनको हटाना या ख़त्म करना, एलिमिनेट मीन्स हटाना, इनइक्वलिटीज मीन्स होती असमानताएं, सोसाइटी मीन्स समाज होता है, सोशल मतलब सामाजिक होती हैं और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक होती हैं। तो सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो हमारे समाज में असमानताएं हैं उनको, उनका उन्मूलन करना, उन्हें हटाना। तीसरी विशेषता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री,
यानी हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रोवाइड में स्वतंत्रता प्रदान करना, फ्रीडम में स्वतंत्रता टू ऑल अवर सिटीजन्स, मतलब देश के सभी नागरिकों को, ऑफ द कंट्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजियन, यानी हमारा देश, हमारा संविधान देश के हर नागरिक को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वह जिस धर्म को चाहे उस धर्म का पालन या उस धर्म में रह सकता है, यानी अपने धर्म का वह अनुसरण कर सकता है, जबरदस्ती आप पर कोई दूसरे धर्म को थोपा नहीं जा सकता है। और चौथी विशेषता ये है कि इन इंडिया देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारा जो देश है वो संसदीय प्रणाली पर चलता है, जो सरकार है वो संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब ये होता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी मंत्र परिषद होती है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन इंडिया देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में सरकार एक संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब संसदीय रूप की सरकार है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें एक मंत्र परिषद होती है, इज अकाउंटेबल, तो अकाउंटेबल मीन्स होता है जिम्मेदार होना, टू लोकसभा, जो कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड सिक्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। देखो, जो हमारा संविधान है प्रोवाइड मीन्स प्रदान करता, सिक्स फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है छः मौलिक अधिकार, छः मूलभूत अधिकार, चाहे मौलिक कहिए चाहे मूलभूत कहिए, टू द सिटीजन, यानी हमारे देश के नागरिकों को। एंड आल्सो स्टेट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 11 हमारी मौलिक कर्तव्य हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, वो आपको हम बताते हैं। पहला हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन, मीन्स शिक्षा, समानता का अधिकार, राइट टू इक्विलिटीज, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का होता है। तो पहला हमारा राइट टू इक्विलिटी यानी समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। और जो चौथा अधिकार हमारा है वो राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो ये कल्चर एंड एजुकेशन, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठवां जो हमारा अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार से हमारे 6 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 6 मौलिक अधिकार थे वो हमने आपको बता दिए। द गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंट्रल मतलब जो केंद्र की सरकार होती है, मतलब सरकार कहाँ से होती, आपके गांव का प्रधान होता, फिर स्टेट में होता है, यानी हमारा CM होते हैं मुख्यमंत्री, तो ये स्टेट के होते हैं, सेंटर का प्रधानमंत्री होता है। तो द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब चाहे सेंट्री गवर्नमेंट हो, केंद्र की हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे आपके लोकल हो यानी गांव का प्रधान तक हो, इन सब का चुनाव हम ही लोग करते हैं। इसलिए हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें जो सरकार चुनी जाती है वो सिटीजन्स के द्वारा ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर चुनी जाती है। डायरेक्ट का मतलब होता है कुछ सरकारें हम प्रत्यक्ष तौर पर चुनते हैं और कुछ सरकार हम अप्रत्यक्ष तौर पर चुनते हैं, जैसे जिसमें हमारी भूमिका कोई नहीं होती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो उसमें हमारी सीधी सीधी भूमिका है, हम सीधा उसको वोट देते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें हमारी भूमिका नहीं होती, लेकिन हमने जिन्हें वोट दिया है, हमने विधायकों को, सांसदों को वोट दिया, तो ये लोग जा करके हमारे इस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये हो गए इनडायरेक्ट। अगली विशेषता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल हु आर 18 ईयर्स और अबव कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। अब संविधान के अनुसार क्या है, जो लोग 18 वर्ष के उम्र के हैं या 18 से ज़्यादा के हैं, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं, वो ही इलेक्शन में वोट डालते, कोई भी चुनाव होता है कास्ट देयर वोट, यानी अपना वोट, अपना मतदान करते हैं। तो मतदान करने की जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा है। नेक्स्ट फीचर ये कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। और हमारे संविधान में ये भी एक मूलभूत मौलिक कर्तव्य हमारा दिया गया है कि फ्री यानी मुक्त और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब होता अनिवार्य शिक्षा, किन के लिए, जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उन्हें फ्री और अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो शिक्षा उनको देगी।
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन, सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उन सभी बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी। और ये लास्ट जो फीचर है वो ये है कि सोशल इक्वलिटी इन फंडामेंटल राइट, हमारे मूलभूत अधिकार में ये भी दिया गया है कि सामाजिक समानता भी है। अभी हमने पढ़ के बताए थे उसमें सामाजिक समानता भी थी। गर्ल्स आर आल्सो इंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स लाइक बॉयज। देखो इंटाइटल्ड मीन्स होता हकदार है, लड़कों की तरह लड़कियां भी बराबर की अधिकारी होंगी, बराबर की हकदार हैं। दीज राइट्स आर रिलेटेड टू दियर अपब्रिंग एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। और ये अधिकार उनके किससे संबंधित है कि उनकी अपब्रिंग मतलब उनका पासन पालन पोषण भी लड़कों की तरह हो, उनकी शिक्षा भी लड़के की तरह हो और उनकी सुरक्षा भी लड़कों की तरह ही की जाए, यानी सभी अधिकार उनके पास भी वैसे ही हैं जैसे लड़कों के लिए हैं। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में आपको हम पढ़ाएंगे अवर यूनियन गवर्नमेंट यानी हमारी संघीय सरकार। तो इस क्लास में आपने ये सीखा कि हमारा संविधान कैसे बना, कितने दिन में बना, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन उसकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कितने दिन में बन के तैयार हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएँ, कितने मौलिक अधिकार हैं और कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।